हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वेंकी स्टाइल चिकन फ्राइड। ये स्टोर कर सकते हैं आप 1 वीक के लिए। इट्स रेडी टू कुक चिकन एट होम इजीली 1 वीक के लिए। तो चलो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट हम आपको बता देते हैं। तो एक कढ़ाई में हमें ऑयल लेना है, एक चॉप अनियन डालना है, सॉल्ट डाल देंगे हम ताकि ये जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये बहुत ही फ्लेवर वाला ईजी टू कुक चिकन है। आप इसे बना के 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसे 2 मिनट में फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये चिकन हमने अच्छी तरह से धो लिया है और हमारा प्याज अभी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम 1 चम्मच इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। चिकन को पहले बॉईल करने से ये फ़ायदा होता है, वो अच्छी तरह से टेंडर कुक हो जाता है और हमें फ्राई करने पर उसका कच्चापन महसूस नहीं होता और आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इसमें वॉश चिकन डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और इसके जो स्टॉक बचेगा हमें उसे फेंकना नहीं है, वो हमें एज अ सूप की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एज अ स्टॉक की तरह भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, चिकन का पानी छूट जाएगा। ये इसका स्टॉक आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा से सूप बन जाता है। और इसके पीसेस को हम फ्राई करना है हमें 10 मिनट के लिए लो हीट पे। इसे हम ढक के कुक कर लेंगे इसका पानी छूटे तक। तो ये देखिए, हमने स्टॉक में से चिकन निकाल लिया है। अब 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और ये दरदरा कूटा हुआ गार्लिक है, आप चाहे पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे, तीखी वाली रेड चिली है इसलिए मैंने कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कश्मीरी रेड चिली ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच और 1 चम्मच हमें इसमें कर्ड डालना है, ये हंग कर्ड है। ये देखिए, अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने नमक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में हमने नमक डाला था, तो नमक और अनियन का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ गया है। ये मैंने फूड कलर यूज़ किया, आप चाहे तो नहीं डाले तो भी चलेगा, ऑप्शनल है। और हम इसे कोटिंग के लिए अच्छी तरह से बेसन डालेंगे 1 चम्मच ताकि पूरा इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से इसमें लगे रहे। और देखिए, आप चाहे तो इसे ओवन के जो जाली होती है उसमें भी डाल के सेक सकते हो। ये मैंने नाइफ की मदद से इसे सेक दिया है। ये देखिए, इस तरह से अलट पलट करके आपको सेकना है और सेक के ही आपको इसको स्टोर करने रख सकते हो। जैसे तुरंत फ्रिज से निकाल के आप, जैसे वेंकी में होता है 2 मिनट के लिए ऑयल गरम करके आप ढक के 2 मिनट में फ्राई हो जाता है चिकन, ये वैसा ही है। आप इसे घर पर वेंकी चिकन बना सकते हो, इसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी दे सकते हो। सेम आपको पहले बॉईल करना है ताकि हमारा चिकन अंदर से जूसी रहे, अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए, देखा आपने कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। अब हमने इसे सेम वेंकी के स्टाइल में ऑयल से इसे सेक लिया था। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। आप इसे स्टोर कर सकते हो फ्रिज में 1 वीक के लिए, ये ख़राब नहीं होता है। इसे तुरंत फिर आप ऑयल में अच्छी तरह से हल्का शैलो फ्राई करके मज़े ले सकते हो घर में इजीली, कम पैसों में, कम वक्त में। ये डिलीशियस सा चिकन तैयार हो जाता है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, बड़ी ही मज़ेदार है। आप महंगा खाने से अच्छा आप वही पैसे में जितना चाहे मन चाहे आप खा सकते हो, कितना सिंपल है ना ये। तो चलो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल बटन दबाना ना भूलना दोस्तों। चलती हूँ।